गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। तो बेसिकली प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है क्या, प्रोजेक्ट शेड्यूल क्यों करना पड़ता है, प्रोजेक्ट का शेड्यूल क्यों बनाना पड़ता है। तो जैसे हम बात करते हैं नेटवर्क की, अगर हम कभी भी कोई भी नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क बनाने से पहले हमें उसका क्या करना पड़ता है, एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे है हमें प्रोजेक्ट शेड्यूल करना कि हम प्रोजेक्ट को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, हमारा जो भी टास्क है वो टास्क को हम कैसे एक शेड्यूलिंग के अंदर लाके उसको हम अच्छे से चला सकते हैं। तो यहाँ पे पहला है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन दिया गया कि शेड्यूल कन्वर्ट्स एक्शन प्लान इनटू ऑपरेटिंग टाइम टेबल, कि हमें शेड्यूल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, तो कि जो भी हमारा एक्शन प्लान है वो एक्शन प्लान को हमें ऑपरेटिंग टाइम टेबल के अंदर उसको, मतलब कि हमारे शेड्यूल के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, तो कि हमारे पास कई सारे एक्शन प्लान रहते हैं। अगर फर्स्ट वाला जो प्लान है अगर वो हमारा ब्रेक हो जाए तो हम सेकेंड वाला जो भी प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने कई बार मूवी में भी देखा है कि मूवी में कुछ भी काम करने वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे दो प्लान बनाते हैं, एक ए और दूसरा बी। तो हमारे पास वैसे ही हमारे पास जो भी एक्शन प्लान है उसको हमें ऑपरेटिंग टाइम टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है, उसको हम कहते हैं शेड्यूल। बेसिक्स फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट, कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसका बेसिक मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करना भी ये प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के हैंड में है। शेड्यूलिंग मोर इम्पोर्टेंट इन प्रोजेक्ट्स देन इन प्रोडक्शन बिकॉज यूनिक नेचर। शेड्यूलिंग हमें प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको शेड्यूलिंग क्यों करना है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे प्रोडक्शन के अंदर कि इसको हम एक यूनिक नेचर के थ्रू उसको हम चला सकें। समटाइम्स कस्टमर स्पेसिफाइड और अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट, एग्जांपल JKR प्रोजेक्ट्स, कि यहाँ पे हमारे पास एक JKR नाम का प्रोजेक्ट्स है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमने कस्टमर ने हमें जो भी रिक्वायरमेंट दी थी वो सारी रिक्वायरमेंट हमने उसकी फुलफिल कर दी है, फिर भी वो नई और रिक्वायरमेंट लाते हैं तो उसको हमें क्या करना है, अप्रूव्ड करके उसको हमें यूज़ करना है या फिर हमें उसको वापस से वो बना के देना है बेस्ड ऑन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने जो WBS बनाया है यानी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो बनाया है उसके थ्रू ये सारी चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी है। यहाँ पे एक नेटवर्क टेक्निक्स, तो यहाँ पे दो नेटवर्क टेक्निक्स है, पहला है PERT और दूसरा है CPM। PERT में क्या होता है, तो कि प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। PERT का फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, कि हमने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है उसको हम एक प्रोग्राम कहते हैं, तो उसको हमें पहले इवेल्यूट करना है और उसका इवेल्यूशन हो जाने के बाद हमें उसको रिव्यू करना है, उसको हम बेटा वर्जन के अंदर लॉन्च करते हैं और उसके बाद हमें क्या होगा, उसका रिव्यू मिलेगा। डेवलप्ड बाय द US नेवी विथ बूस हैमिल्टन लॉक हिट, कि इसको US नेवी के एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम है बूस हैमिल्टन लॉक हिट ने इसको डेवलप्ड किया है। ऑन द पोलारिस मिसाइल और सबमरीन प्रोग्राम 1958, कि 1958 की साल के अंदर उन्होंने एक मिसाइल बनाई थी पोलारिस मिसाइल, और जो सबमरीन का जो प्रोग्राम रहता है उसके अंदर उन्होंने ये PERT का इस्तेमाल किया था। दूसरा है टेक्निक CPM। CPM का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, क्या नेम है उसका फुल फॉर्म क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड। Developed by E1 DuPont for chemical plant shutdown project about same time as PERT, कि जब PERT का डेवलपिंग हुआ उसी समय एक
ऐसा केमिकल प्लांट था जो शटडाउन होने जा रहा था, उसी प्लांट के अंदर ईआई डुपोंट ने ये सीपीएम यानी कि क्रिटिकल पार्ट मेथड को डेवलप किया है। बोथ यूज सेम कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर, ये दोनों के जो भी कैलकुलेशंस है वो ऑलमोस्ट सेम है। मेन डिफरेंस इज प्रोबेबिलिटीज एंड डिटरमिनिस्टिक्स इन टाइम एस्टिमेशन। इसका एक मेन डिफरेंस है कि इसके अंदर पट के अंदर आपको एक एक्यूरेसी मिलती है, जबकि क्रिटिकल पाथ के अंदर कभी कभी हमें एक्यूरेसी नहीं भी मिलती है। उसके बाद है नेटवर्क, ग्राफिकल प्रोटलायर ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट। हमारी जो भी ग्राफिकल्स एक्टिविटी है, हमारी जो भी ग्राफिकल्स इवेंट है, वो सारी इवेंट को हम एक नेटवर्क बनाएंगे। सोर्स डिपेंडेंसी रिलेशनशिप्स बिटवीन टास्क और एक्टिविटीज इन अ प्रोजेक्ट, कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो भी टास्क है, जो भी एक्टिविटीज है, वो दोनों के बीच के रिलेशनशिप कैसे है, उसके ऊपर ये नेटवर्क जो है वो डिपेंड्स करता है। क्लियरली शोज टास्क दैट मस्ट प्रिसाइड और फॉलो अदर टास्क इन अ लॉजिकल मैनर। हमें ये चीज़ सबसे ध्यान में रखनी है कि हमारा जो टास्क है वो टास्क एक फ्लो के अंदर जाना चाहिए, प्रिसेडेंस और सक्सीडिंग के अंदर जाना चाहिए। अगर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो भी उसका जो भी लॉजिकल रिव्यू होता है वो भी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लान अ पावरफुल टूल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट। जब भी हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग करेंगे तो उसके अंदर हम एक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे जिसके थ्रू जो हमारे कस्टमर्स हैं या फिर जो भी हमारे एम्प्लॉई है वो उसको अच्छे से समझेंगे, उसको किस तरह से प्लानिंग किया गया है, उसका कैसे कंट्रोलिंग करना है, हमारा प्रोजेक्ट किस कंट्रोल फ्लो के अंदर चलने वाला है, ये सारी चीज़ें उसके थ्रू हमें अच्छे से मालूम हो जाती है। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल नेटवर्क सर्वे, यहाँ पे हमें एक नेटवर्क सिंपल नेटवर्क सर्वे का यहाँ पे क्या किया गया है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें फर्स्ट है प्लान सर्वे। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक प्लान बनाना है। वो प्लान बनाने के बाद दूसरा स्टेप हमारा जो आता है वो आता है हायर पर्सोने, कि हमने जो भी प्लान बनाया है, हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसके लिए जो भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी पर्सनल की रिक्वायरमेंट है, हमें जो भी वर्क एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, वो सारे एम्प्लॉयज को हमें यहाँ पे क्या करना है, हायर करना है। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है हमारा वो है ट्रेन पर्सोनेल, कि हमने जो भी पर्सोनेल को लिया है उनको एक बार हमें ट्रेन करना है। इफ़ वो ट्रेन हो गए तो उसको हम सर्वे के अंदर कंडक्ट करेंगे, उसको हम सर्वे के अंदर भाग लेने के लिए आमंत्रित करेंगे। उसके बाद वो उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको एनालिस करके हम फाइनल रिज़ल्ट बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमने मान के चलिए हमने JKR नाम का एक प्रोजेक्ट ले लिया, जिसके अंदर हमें पहले तो उसका हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्लान बनाएंगे कि वो किस तरह से वर्क करने वाला है। उसके बाद उसके ऊपर हम बैठ के कुछ ना कुछ उसको डिज़ाइन करेंगे और हम वहाँ से ये चीज़ पता लगाएंगे इसके लिए हमें कैसे टेक्निक वाले एम्प्लॉय चाहिए है। तो जिस तरह के एम्प्लॉय चाहिए है उस तरह के एम्प्लॉय अगर हमारे पास नहीं है तो उसको हमें हायर करना है। इफ़ हम नए जो भी एम्प्लॉय को हायर करेंगे तो उसको हमें कंपलसरी क्या करना है, ट्रेन करना होगा। इफ़ हम उन लोगों को ट्रेन करेंगे तो ट्रेन करने के बाद उन लोगों को हमें सर्वे के अंदर लेना है कि आपको ये एक सर्वे कंडक्ट करना है, आपको ये एक सर्वे के लिए जाना है। जो सर्वे के लिए जाना है उनके लिए हमें उनको एक क्वेश्चनरी बना के देनी है कि ये क्वेश्चनरी है, आप जहाँ पे भी ये सर्वे के लिए जाने वाले हैं वहाँ पे आपको ये बेसिक जो क्वेश्चंस है वो आपको क्या करने हैं, उनको पूछने हैं। उसके बाद वो सर्वे पे जाएंगे, सर्वे करके वापस आएंगे और उसको जो भी सर्वे मिला है उसका हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। कभी कभी रियल लाइफ के अंदर भी हमने देखा है कि
हमारे पास, हम जब भी कहीं भी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे कोई सर या कोई मैडम खड़े होते हैं जो हमें कहते हैं कि सर ये कूपन भर दीजिएगा, अगर लक्की ड्रॉ में आपका नंबर लगेगा तो आपको हमारी कंपनी की ओर से कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ भी सोचते नहीं है, उन्होंने फॉर्म दिया, सीधा फॉर्म फिल करते हैं और उनको क्या करते हैं, हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। फिर थोड़े दिन बाद आपको कॉल आएगा कि सर आप इस तारीख को इस मॉल के अंदर गए थे और वहाँ पे हमारे एक एग्जीक्यूटिव ने, हमारे सर्वे एग्जीक्यूटिव ने आपको एक फॉर्म दिया था जो आपने फॉर्म फिल किया है और आपका लकी ड्रॉ के अंदर विनर हुए हैं, तो आपको हमारा जो ऑफिस का एड्रेस है वो हम आपको टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं, आपको वहाँ पे हमारे ऑफिस के ऊपर आपको आपका जो भी प्राइज़ है वो प्राइज़ लेने के लिए आना है। अब आ रहा है इंटरेस्टिंग स्टोरी कि हम वहाँ पे जाते हैं, हम बताए गए समय पे जाते हैं, फिर वो लोग हमें क्या करते हैं, बिठाने के बाद कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशंस देते हैं और उन लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर हम लोगों को क्या करते हैं, वो लोग अप्रूव कर देते हैं। तो यही चीज़ है कि हम एक सर्वे कंडक्ट करके आए तो उनको हमने क्या दिया था, एक बेसिक क्वेश्चनरी दी थी कि आपको इतने क्वेश्चंस ही वहाँ पे क्या करने हैं, उनको पूछने हैं। तो वो क्या करेंगे, जब भी कोई और से जिसके थ्रू वो लोग सर्वे करने वाले हैं, वो सामने वाले बंदे को या वो सामने वाले पर्सन्स को वो लोग वही क्वेश्चंस पूछेंगे जो हमने उनको लिख के दिए हैं। वो सर्वे ख़त्म हो जाने के बाद वो लोग वापस क्या करते हैं, वेलकम बैक होते हैं, मतलब कि हमारे ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही ऑफिस के अंदर आते हैं तो उन लोगों ने जो भी सर्वे किया होता है, उनका जो भी फॉर्म्स होता है, उनकी जो भी डिटेल्स होती है, वो सारे डिटेल्स का हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, एक रिज़ल्ट को रेडी करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल नेटवर्क सर्वे। जैसे अभी कोरोना चल रहा था तो आपको पता ही है कि कोरोना के अंदर हमारे घर पे कई सारे एसएमसी के लोग आए होंगे कि घर में कितने लोग रह रहे हैं, उसमें से 5-7 साल के ऊपर के कितने हैं, उसमें उसके अंदर 35 साल से लेके 55 के कितने हैं, 18 साल के नीचे वाले कितने हैं, ये सारे डिटेल्स वो लोग क्या करते हैं, हमारे पास लिख के जाते हैं। थोड़े दिन बाद दूसरे और बंदे आते हैं, बोलते हैं कि आपके घर में इतने इतने लोग रहते हैं, हम कहते हैं हाँ। फिर वो वापस पूछते हैं कि उनमें से किसी को कुछ सर्दी खांसी या कुछ बुखार है, तो हम कहते हैं नहीं है, अगर है तो वो भी लोग क्या करते हैं, लिख के जाते हैं। वो क्या करते हैं, तो कि उन लोगों को एसएमसी की ओर से टास्क दिया गया होता है कि आपको इस गांव जाना है और आपको ये डिटेल्स कलेक्ट करके लानी है, तो वो लोग उस तरीके के वो लोग जाते हैं, वो वहां से जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, इन्फॉर्मेशन लाके वो एसएमसी को दे देते हैं और एसएमसी क्या करता है, उन लोगों ने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है वो सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो सब क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज हो जाने के बाद उसका फाइनल रिज़ल्ट बनाते हैं और फाइनल रिज़ल्ट बनाने के बाद क्या करते हैं, अगर वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकलता है तो उसको वो लोग क्या करते हैं, री सर्वे करते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक दूसरा दिया गया है, एग्जांपल ऑफ नेटवर्क मोर कॉम्प्लेक्स। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट कहीं बड़ा हो, सबसे बड़ा हो, तो उसके लिए हमें एक ऐसा नेटवर्क रेडी करना पड़ता है कि जिसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा हमें कॉस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और सबसे थिंग इम्पोर्टेंट कि हमें सबसे ज़्यादा टाइम की भी रिक्वायरमेंट वहाँ पर रहती है। तो उस टाइम हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट को शेड्यूल, इस तरह से प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना है कि देखने में तो वो कॉम्प्लेक्स है ही, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट हो, जब उसको हम लोग चलाएं, तो हमें क्या करना, तो वो कैसे चलना चाहिए, एकदम अच्छे से, एकदम स्लो वे के अंदर वो क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ टर्म्स इन अ नेटवर्क, कि हम इसको नेटवर्क को हम व्याख्या की भाषा में समझते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले है एक्टिविटी,
एनी पोर्शंस ऑफ प्रोजेक्ट्स और टास्क विच रिक्वायर्ड बाय प्रोजेक्ट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड कंज्यूम्स टाइम्स मे इन्वॉल्व लेबर पेपर वर्क कॉन्ट्रैक्चुअल नेगोशिएशंस मशीनरी ऑपरेशंस एक्टिविटी ऑन एरो जिसको हम टुक में शॉर्ट में कहते हैं ए ओ ए शोड एज एरो ए ओ एन यानी कि एक्टिविटी ऑन नोड। ये एक्टिविटी तो क्या होती है तो कि हमारा जो प्रोजेक्ट्स होता है हमारा जो टास्क होता है उसके अंदर कई सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कई सारा ऐसा टाइम होता है कि जहाँ पे हमको वो सब जिसको कंज्यूम करना है सो सबको हमें यूज़ करना है। जैसे कि लेबर हमें कुछ भी काम करते हैं तो हमें लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरा है पेपर वर्क हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पहले हमें वहाँ पे पेपर वर्क करना पड़ेगा। वो प्रोजेक्ट जब हम उसके पास लेते हैं तो हमें उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है उसके साथ हमें एक कॉस्ट की बातें भी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्टिविटी के अंडर आती है। उसके बाद रहता है इवेंट बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट्स ऑफ वन और मोर एक्टिविटीज़ इंस्टेंटेनियस पॉइंट इन टाइम ऑल्सो कॉल्ड नोड्स। हमारी जो इवेंट होती है तो इवेंट को हम किसको इवेंट कहते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है और हमारा प्रोजेक्ट जब ख़त्म होता है जब एंड होता है तो बिगिनिंग से लेके एंडिंग पॉइंट तक की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं इवेंट। नेटवर्क कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ एंड दी इवेंट्स। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट की सारी एक्टिविटीज़ और वो प्रोजेक्ट की हमारी जो इवेंट है वो इवेंट के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं नेटवर्क। क्या कहते हैं नेटवर्क। तो यहाँ पे हमें एक दिया गया हुआ है नीचे एक हमें इमेज दी गई हुई है कि जिसमें हम प्रिसाइडिंग करते हैं पहले कि हमारी जो एक्टिविटी है वो हम उसको वहाँ से प्रिसाइडिंग करते हैं बिगिनिंग करते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट वाला है हम वहाँ पे इवेंट रेडी करते हैं उसके बाद एक और एक्टिविटी बनती है और लास्ट के अंदर वो क्या होता है सक्सेस होता है। एम्फेसिस ऑन लॉजिक इन नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। जब भी हम नेटवर्क बनाते हैं तो वो नेटवर्क बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ लॉजिक की रिक्वायरमेंट देती है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिकल और टेक्निकल डिपेंडेंसी अमोंग एक्टिविटीज़ कि हमारी जो भी एक्टिविटीज़ है उसकी लॉजिकल और टेक्निकल जो भी डिपेंडेंसीज रहती है उसको पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है किसके थ्रू क्योंकि नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो बिफोर एक्टिविटी अप्रूव्ड ड्राइंग कैन बी स्टार्टेड द एक्टिविटी प्रिपेयर ड्राइंग मस्ट बी कंप्लीटेड। पहले हमें क्या करना पड़ता है तो कि पहले हमें एक ड्राइंग बनाना पड़ता है उसको कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही हमारा ड्राइंग रेडी हो जाता है तो वो ड्राइंग को हमें अप्रूव करना पड़ता है और जब वो अप्रूव होता है तब हमारी एक्टिविटी क्या होती है स्टार्ट होती है। कॉमन एरर बिल्ड नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लॉजिक सी एग्जाम्पल बिलो। कॉमन एरर क्या रहती है तो कि हमें बेसिक जो एरर रहती है हमारे नेटवर्क बनाने के लिए वो बेसिक एरर रहती है हमारे टाइम की कि हम उसको टाइम टू टाइम फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें दो फिगर दी गई है जिसके अंदर हमने पहले प्रोसीजर पाइप लगाया उसके बाद उसको डीएक्टिव लाइन किया उसके बाद हमने उसको रिमूव ओल्ड पाइप किया और वहाँ पे हमने क्या किया इंस्टॉल नया पाइप किया। तो ये जो टेक्निक है हमारी वो क्या है गलत टेक्निक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है हमें यहाँ पे उसको पहले करना है कि हम एक अलग से एक पाइप लगा दें जो डीएक्टिव लाइन है उसके साथ उसको हम क्या करें कनेक्शन दें और फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे एक नया पाइप जोड़ देंगे। वैसे ही हमारा जो भी प्रोजेक्ट के है उसके अंदर भी हमें यही चीज़ करनी है कि हम वहाँ पे एक पाइप बनाएंगे यानी कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है वो दूसरा स्ट्रक्चर जो है हमारा वो वहाँ पे डिस्टर्ब ना हो उसके लिए हम एक अलग से क्या करेंगे एक अलग से हम स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। तो आज के दिन के लिए हम इतना ही रखते हैं। यहाँ पे आपको एक असाइनमेंट दिया गया है जो असाइनमेंट आपको क्या करना है
तो कि वो असाइनमेंट आपको मुझे बना के देना है, जिसके अंदर आपको दो असाइनमेंट के अंदर दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है एक्सप्लेन नेटवर्क टेक्निक्स और दूसरा है एग्जांपल ऑफ सिंपल नेटवर्क सर्वे। तो ये दो जो असाइनमेंट है वो दो असाइनमेंट आपको पता ही है किस तरह मुझे भेजना है, तो आज ही आपको ये असाइनमेंट को लिख के सबमिट करना है।